अगर आप कभी ले गए हैं तो इससे महरूम होने का कोई इम्कान नहीं है। एक कदीम ढांचा हमालिया में तस्मो पहाड़ी पर वाकया ले महल बदलते वक्त की खामोश गवाही के तौर पर खड़ा है। तहरीरी रिकॉर्ड इसके वजूद की तारीख 16वीं सदी से है। ले साके पोटाला महल के साथ इसके मॉडल के लिए ऐसी चीजें और हकायक मौजूद हैं जो बगैर तहरीर के रह गए हैं। अगर आप मौरखीन से मशवरा लें तो ये ले महल जो ज्यादा मशहूर पोटाला का नमूना बनकर खड़ा था, एक 9 मंजिला ढांचा जो ज्यादातर पट्टी चट्टानों और लकड़ी से बनाया गया है। शदीद जलजला की सरगर्मियों के इलाके में ऊंचा खड़ा है, कोई मामूली कारनामा नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 16वीं सदी में तमाम तामीराती सामान को घोड़ों पर या हाथ से ले जाना पड़ता था इस खड़ी और बड़ी पहाड़ी की चोटी तक। ये यकीनन किंग सिंगे नमग्याल का शाही क्वार्टर था। तो ये जगह तिब्बत के करीब एक कटे हुए इलाके से लेकर एक हलचल मचाने वाले शहर में ले के मेटामॉर्फोसिस में वाजिया तब्दीली देख सकती थी। दुनिया भर से आने वाले सियाहों के लिए पसंदीदा जगह उस शोहरत के साथ जो अब 3 इडियट्स की शोहरत से जुड़ी हुई है। ले महल जिसे लहाचन पालखर भी कहा जाता है 17वीं सदी का एक साबिक शाही महल है और ले के मरकजी पुरकशिश मकामात में से एक है। किंग सेंगे नमग्याल की सरपरस्ती में तामीर किया गया था, इसमें उनके खानदान की रहायश थी। 9 मंजिला डन रंग के महल में अब एक म्यूजियम और एक नमाज का कमरा है, जबकि खास बात छत से ले और आसपास के जंगसार पहाड़ का साफ नजारा है। ले महल लहासा के पोटाला महल की तर्ज पर बनाया गया था और 19वीं सदी में होने वाले कश्मीरियों के हमले की वजह से काफी हिस्सा अब खंडरात का शिकार है। ले महल की खूबसूरती अब भी बुद्धा के बहुत से कदीम आसार, पेंटिंग्स, पुराने बर्तन, शाही खानदान के जेरे इस्तेमाल कटलरी और दीवारों को सजाने वाले नवादरात के साथ फखर से खड़ी है, जिनमें ज्यादातर तकरीबन 450 साल पुराने हैं। महल उस वक्त और भी शानदार नजर आता है जब इसे किसी खास मौका पर रोशन किया जाता है, जैसे कि गाल्डम नामचूट त्योहार, जिसे मुकामी लोग महल के इर्द गिर्द जमा होकर मुकामी त्योहार मनाते हैं। शानदार महल फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है, जो इस दौर के कदीम ढांचे की तजयनों आराइश पर काम कर रहा है और ले में नमग्याल खानदान की तारीख को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ले महल को तिब्बत के लहासा में पोटाला महल के मुताबिक डिजाइन किया गया है। महल की तामीर जो 1553 में शुरू हुई थी, नमग्याल खानदान के हुक्मरानों में से एक ने शुरू की थी। उसके बाद उसके जानशीन सेंगे नामग्याल ने 17वीं सदी में तामीर मुकम्मल की। इन हुक्मरानों ने बाद में अपने खानदान के साथ ले महल में रहायश इख्तियार की। महल का अजीमो शान ढांचा मजमुई तौर पर 9 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये उस वक्त की बुलंद तरीन इमारतों में से एक था। ऊपरी मंजिलें रहायश के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि नीचे की मंजिलों में मकानात और स्टोर ले महल को शाही खानदान ने 19वीं सदी के वस्त में छोड़ दिया था। जब डूंगरा अफवाज ने लद्दाख रूम पर कब्जा कर लिया था, नतीजतन नमग्याल खानदान को स्टोक पैलेस में शिफ्ट होना पड़ा। ये अजीमोशान इमारत अब खस्ता हालत में है और इसे असारे कदीमा के अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है, जो ले के पुराने हुक्मरानों के नवादरात को फखर के साथ दिखाता है। ले महल तिब्बती फने तामीर का एक शानदार नमूना है और पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मतवजो करता है, जो इस कदीम ढांचे की शानो शौकत को देखकर हैरान रह सकते हैं। अगरचा ले महल का साइज छोटा है, लेकिन ये लहासा के पटोला महल से मिलता जुलता है। बड़ी बड़ी दीवारें और लकड़ी की बालकोनियां उसी तर्ज तामीर की खसूसियत है। ढांचा मुकम्मल तौर पर सख्त ईंटों, मट्टी, लकड़ी और रेत से बना है। Thank you.
तामीर का मुनफरिद अंदाज महल को दिन के वक्त कुदरती तौर पर खुद को रोशन करने देता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा मवाद ऐसा है कि अंदर का दर्जा हरारत आरामदा और खुशगवार रहता है। महल के दाखिली दरवाजे को लकड़ी के पचीदा मुजस्मों से मुजयन किया गया है। शानदार ले महल 9 मंजिला ऊंचा है और महल की सबसे ऊंची मंजिल को विक्ट्री टॉवर कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ले शहर के साथ साथ हिमालयाई सिलसिलों का परिंदों का नजारा पेश करता है। विक्ट्री टॉवर उन लद्दाखी फौजियों की याद में तामीर किया गया था जिन्होंने हमला आवर कश्मीरी फौजियों के खिलाफ जंग लड़ी थी। महल की बुनियाद कई दीगर तिब्बती ढांचों से मुजयन है, जैसे कि मशहूर नामग्याल स्टूपा, चंद अजक स्टूपा और चुम्बा स्टूपा। ले महल अफसोसनाक तौर पर अब खंडरात में है, लेकिन चंद छोटे कमरे और राहदारी अब भी मौजूद है। ज्यादा अहम कमरों और कंपार्टमेंट्स को नुमाइशी हालों में तब्दील कर दिया गया है और म्यूजियम की देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ले पैलेस म्यूजियम में बर्तनों का एक भरपूर जखीरा है जो शाही खानदान रस्मी लिबास, जेवरात और ताज इस्तेमाल करते थे। पचीदा डिजाइनों वाले चीनी या सूत पेंटिंग्स जो कि 450 साल से ज्यादा पुरानी हैं, बिलाशुबा म्यूजियम के बेहतरीन महफूज नवादरात में से एक हैं। पेंटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले चमकदार रंग पिसे हुए जवाहरात और पत्थरों से उखज किए गए थे और आज तक बरकरार है। अगर आप ले महल का दौरा करने का इरादा रखते हैं तो कुछ बातें जहन में रखें। आरामदायक जूते पहने, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा और सड़क डहलवानों से भरी हुई है। इसके अलावा महल की सीढ़ियों से गुजरना कदरे मुश्किल है। महल में बुजुर्ग शहरियों को जाने की सिफारिश नहीं की जाती, क्योंकि पैदल चलने की मकदार की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ले महल पुराने ले शहर में ले एयरफोर्स बेस हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर के फासले पर तस्मो पहाड़ी पर वाकिया है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको पुराने शहर से गुजरना पड़ेगा। शहर के मरकजी बाजार से महल तक आसानी से जामिया मस्जिद या जंगसती रोड के जरिए पहुंचा जा सकता है। नाजरीन, ये थी ले महल की मुकम्मल तारीखी और जग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दिगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।